मैंने YouTube से मतलब अभी ये 1 साल 2 साल छोड़ दो, इससे पहले कम से कम 3 साल पहले से मैं YouTube कर रहा हूँ। उस पूरे 3 साल में मैंने मैक्स टू मैक्स 80,000 कमाए होंगे, 80 to 1 lakh rupees उन 3 साल में। तो आप सोच लो वो 3 साल भी तो कवर करने, मतलब तुम समझ गए ना मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे नॉर्मल जॉब होती है तो कैसा रहता है कि स्टार्टिंग सैलरी अच्छी रहती है, मतलब 20, 30, 40, 50। तो हमारा वो 3 साल 80,000 था, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा फर्स्ट पेमेंट था 7,120 डॉलर था, अब वो डेट भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ वापस से मेरा पेमेंट हुआ था अराउंड 200 डॉलर और समथिंग। उसके बाद वापस से कुछ 2-3 महीने बाद हुआ था 100 डॉलर वगैरह। फिर उसके मतलब ऐसे करके ऐसे ऐसी चीजें, मतलब ये मैं सच बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। आपने मान के चलो एक ही दिन में 10-10 हज़ार की सुपर चैट कर दी या फिर 15-20 हज़ार डोनेशन आ गए, तो उसमें से 45% काट लो। बट हाँ, मैं इतना इतना कह सकता हूँ कि इतना मैं जरूर बता सकता हूँ कि लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे कॉइन मतलब कुछ भी बकवास करते हैं कि बहुत कम अर्निंग होती है, यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती है। भाई वो सब बकवास चीजें बताते हैं आपको। उनको ऐसा लगता होगा कि अगर वो उनकी अर्निंग रिवील कर देंगे तो उनको कोई फिर डोनेशन नहीं देगा। ऐसे मैं आपको, मैं 1 मंथ की, पुराने 1 मंथ की अर्निंग बताता हूँ, ठीक है यार। इधर आ ही नहीं रही है, इधर डे डे वाइज आ रही है, आप फिर डे वाइज कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो 21 की आ रही है, 21 जुलाई 2018 की आ रही है मेरी 12 डॉलर। फिर 24 जुलाई की आ रही है 4 डॉलर। फिर ऐसे आ रही है 5 डॉलर, 4 डॉलर, 5 डॉलर। 29 जुलाई 5 डॉलर, या 5 अगस्त को आ रही है 20 डॉलर। फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और एक डे की मेरी आ रही है 14 अगस्त की 190 डॉलर। आई डोंट नो, 190 डॉलर बोले तो गाइस 30,000। तो मतलब डिपेंड, मैं बता रहा हूँ ना आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, ठीक है। तो पता है क्या, एक ना गॉडेल बूट कैम, मतलब आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। एक गेमिंग हाउस बनेगा कम से कम मान के चलो 4 फ्लोर का, 4 फ्लोर का वगैरह, जिसका काम अभी चालू होगा विदिन 1 और 2 मंथ। 2 साल लगेंगे उसको कंप्लीट होने के लिए। और वो मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, वो बस आप जब हो जाएगा चालू आप समझ लेना। और जब वो बनेगा तो मतलब मान के चलो इंडिया में अभी तक ऐसा किसी के पास गेमिंग में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो वो होगा अराउंड 2 ईयर्स के बाद होगा, बट आपको मैं जैसे ही काम चालू हो जाएगा सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगा। बहुत बड़ा, मतलब प्रॉपर वहाँ पे स्विमिंग पूल, एवरीथिंग, सब कुछ होगा, सब कुछ। और वहाँ पे कम से कम 10 टीम रह सकती है, 10 से 20 टीम रह सकती है। और वहाँ पे पूरा एक गेमिंग सेटअप, गेमिंग हाउस होगा, एक फ्लोर गेमिंग के लिए, एक फ्लोर ये, मतलब गॉड लेवल गाइस। बस वो अभी चालू होने दो। फ्यू वर्ड्स फॉर सोल एंड ऑरेंज रॉक। सोल सोल एक अच्छी टीम है, ऑब्वियसली लोगों की बहुत फेवरेट टीम है, मेरी भी फेवरेट टीम है। मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ, अभी रिसेंटली उनका परफॉर्मेंस अच्छा था जब ब्लेजी वगैरह ज्वाइन किया था, बहुत अच्छी टीम परफॉर्म कर रही थी। बट आई थिंक मैंने अभी रिसेंटली सुना कि उनकी टीम अभी फिर से वापस नहीं बन रही है, या ऐसा कुछ तो सुना। अब देखते हैं आने वाले डेज में सोल गेम अनबैन होने के बाद कैसे परफॉर्म करती है। तो ई स्पोर्ट्स का मैं बताता हूँ, है ना। अब जितने भी लोग देख रहे हैं ना, उसमें से बहुत सारे लोगों का होगा कि क्या हम पबजी मोबाइल को एज अ करियर देख सकते हैं, ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकते हैं या फिर यूट्यूबर या फिर जो भी है। तो मैं आपको बताता हूँ गाइज, अगर गेम अनबैन हो जाती है तो बेशक पबजी मोबाइल में आप आपका फ्यूचर करियर देख सकते हो। बट मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि पबजी मोबाइल को आप अपना सेकेंड ऑप्शन रखना, और फर्स्ट ऑप्शन आपका स्टडी रखना। क्योंकि यार ये क्रिकेट जैसा ही है ना, कि जब तक अच्छे हो तब तक अच्छे हो, वरना बुम्बा। तो यही सीन है पब्लिक। खत्म।